Students, in this video I am going to discuss some of the important numericals related to the rate law of chemical kinetics. Watch this video till end, and if you like this video then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. So question number first is, unit of rate constant of a zero order reaction is? Options are A, mole liter inverse second inverse. Option B is second inverse. Option C is liter mole inverse second inverse. And option D is liter square mole to the power minus 2 in second inverse. Rate constant ki jo unit hai uski ek equation hoti hai. Sabhi jo orders hain unki unit wahi equation ko follow karegi. Dekhte hain. Concentration to the power 1 minus n इंटू टाइम इनवर्स, जहाँ पे n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फाइन, सो यहाँ पे हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी गई है. दिस इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू है जीरो. इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस जीरो टाइम टू द पावर माइनस 1. ठीक है, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर. फाइन, तो मोल पर लीटर की पावर 1, और जो टाइम है टाइम इनवर्स की हो जाएगी सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड होते हैं टाइम की यूनिट. तो यहाँ से हमारे पास आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड, और यू कैन राइट मोल लीटर इनवर्स इन सेकंड इनवर्स. इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन हो गया वो है फर्स्ट ऑप्शन ए. सो दिस इज द unit of rate constant of a zero order reaction. This was the first question. Now let us proceed to the second question. Question number two is, the specific rate of a first order reaction depends upon. Options are A, only time. Option B is temperature. Option C is only molar concentration. Option D is कोलिजन फ्रीक्वेंसी. देखिए, जो स्पेसिफिक रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन द मोलर कंसंट्रेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम टेम्परेचर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी. लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द ओवरऑल ऑर्डर एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एन ओ आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. रिएक्शन गिवन टू अस इज 2NO प्लस O2 टू गिव आउट 2NO2. तो यहाँ क्या पूछा गया है कि रेट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसके रेट लॉ के लिए. ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं. इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा. ओवरऑल ऑर्डर दिया हुआ है आपको 3, और विद रिस्पेक्ट टू एनओ दिया गया है आपको 2. तो इस इक्वेशन को एक बार हम फिर से देखते हैं. 2NO प्लस O2 टू गिव आउट 2NO2. तो जो ओवरऑल ऑर्डर आपको दिया हुआ था दैट इज इक्वल टू 3, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ. वो आपको 2 दिया हुआ है. अभी हमें पता है कि रिएक्टेंट में आपके पास एक तो एनओ है एक O2 है. ऑब्वियसली जो रेट है दैट इज इक्वल टू के इंटू एनओ के ऊपर कोई स्टोकियोमेट्री और O2 के कुछ पावर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, अब ये जो है ये आपको 2 दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ इज 2, और ओवरऑल आपको दे रखा है 3. तो इसका मतलब 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी. इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन
जो ऑर्डर हो जाएगा वो वन हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। ऑप्शन आ गया आपका यहाँ पे सी, क्योंकि एनओ के टू पावर पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन की वन पावर पे। ये हमारी रेट की, रेट लॉ की इक्वेशन है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, रेट लो फॉर डिसोसिएशन ऑफ ओजोन क्या है? 2O3 इक्विलिब्रियम में 3O2 के साथ। इट इज शोन टू बी R इज इक्वल टू K, O3 की पावर 2 और O2 की -1। अब इसने पूछा है क्वेश्चन, द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 इज, बहुत क्लियरली आपको यहां पे पता लग रहा है वैसे तो, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन वन इज A इज 1, ऑप्शन बी इज -2, सी इज -1 एंड डी इज 1। O2 देखो, O3 के रिस्पेक्ट में तो इसका ऑर्डर 2 है, फाइन, और O2 के रिस्पेक्ट में जो इसकी ऊपर स्टोइकोमेट्री दी हुई है -1 जो पावर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो -1 है वो आपका सी ऑप्शन में, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज -1। लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, रिएक्शन जो आपको दी गई है वो है 2A+2B+C टू गिव आउट 2D। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म इज शोन बिलो। फर्स्ट स्टेप जो है A+2B इन इक्विलिब्रियम विद एक्स, दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, फास्ट इक्वेशन यू कैन से। सेकेंड इज X+C टू गिव आउट Y एंड इट इज स्लो। एंड थर्ड स्टेप इज Y+A टू गिव आउट 2D, इट इज फास्ट। तो दीज होल थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू। अब जो पूछा गया है वो क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लो कैन बी रिटन फॉर द अबव रिएक्शन, कि कौन से ऐसे रेट लो है जो इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल सही है, वो देख लेते हैं। हमें क्या बताना है, रेट लो। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस लिख दे रही हूं मैं, तो ये चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप इन तीन इक्वेशन को देखें, सबसे पहले तो ये तो है फास्ट इक्विलिब्रियम जो है वो वाली इक्वेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो रहा है और फास्ट हो रही है रिएक्शन। सेकंड वाली जो है वो आपकी स्लो है और थर्ड वाली फास्ट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्लो स्टेप होती है वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अब ये चीज हमें देखते हैं आगे किस तरह से इसका आंसर आएगा। अभी हमने देखा कि जो स्लो स्टेप है वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप थी X+C टू गिव आउट Y, ठीक है। अब ये मान लेते हैं इसका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका K3। इससे जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, A+2B इक्विलिब्रियम में X बना रहा है, तो इसे मान लेते हैं फॉरवर्ड के लिए K1, बैकवर्ड के लिए K2। और जो थर्ड था स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड कौन सी है, Y+A टू गिव आउट 2D, ठीक है, इसे आप K4 मान सकते हो। तो जो स्लो स्टेप है आपकी, ये वाई आपका स्लो स्टेप है जो आपकी, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो रेट है दैट इज इक्वल टू K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ X इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C, राइट।
तो ये देखते हैं हम, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है आपको। अब ध्यान दीजिए, आपके पास ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कहीं भी एक्स की कंसंट्रेशन नहीं है। इसका साफ सा मतलब हो गया कि जो एक्स है उसको हमें ए और बी और सी की फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन है, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के वन इंटू ए इंटू बी की पावर टू, क्योंकि इसके आगे ये टू है तो ये पावर में चला जाएगा। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है के वन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन के टू इंटू एक्स, फाइन। तो इस के टू को मैं यहां ले जाती हूँ, तो ये आ जाएगा के वन अपॉन के टू इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और इस एक्स को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से हमें मिलता है आर इज इक्वल टू के थ्री इंटू के वन अपॉन के टू ए इंटू बी स्क्वायर, और ये जो सी ऑलरेडी यहां पे था सी। अब के थ्री के वन और के टू ये तो कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो इनको हम सभी को मिला के हम कैपिटल के एक कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका रेट कॉन्स्टेंट है ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा है ए बी सी की फॉर्म में ये आ चुका है। तो आंसर देखते हैं क्या कोई इससे सिमिलर है। ये देखिए आपका जो बी ऑप्शन है ये इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है के ए बी स्क्वायर सी, फाइन। तो इसका आंसर आपका हो गया बी। तो ये तो थे कुछ नेट से रिलेटेड केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी जो कि इसी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।